अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सभी व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्यूलॉन्ग एंड पीटेट थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसका दूसरा नाम था क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ड्यूलॉन्ग एंड पीटेट ने जो है ना इंटरनल एनर्जी का सिंपल रिलेशन यूज़ करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आइंस्टाइन ने इंटरनल एनर्जी, द रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर वाले रिलेशन को यूज़ करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन किया। तो रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर इज़ गिवन एज, इस रिलेशन को हम प्रीवियस वीडियोस में ड्राइव कर चुके हैं, यू इज़ इक्वल टू एन के थीटा ई इंटू वन ओवर एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी माइनस वन प्लस हाफ। तो इसे हम इक्वेशन नंबर वन का नाम देते हैं। यहाँ पे थीटा ई क्या है, आइंस्टाइन टेम्परेचर, थीटा ई आइंस्टाइन टेम्परेचर एंड डिफाइन एज थीटा ई इज इक्वल टू एच न्यू बाई के टी। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर भी कहते हैं। अब अगर मीन एनर्जी की बात की जाए तो मीन एनर्जी हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी पर टोटल नंबर ऑफ एटम। तो U को हम N से डिवाइड करें इस इक्वेशन को तो हमारे पास मीन एनर्जी आ जाएगी। तो हमारे पास मीन एनर्जी कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, K थीटा E इंटू वन ओवर एक्सपोनेंशियल थीटा E बाई टी माइनस वन प्लस वन बाई टू। सही है, क्योंकि हर एटम 3n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है तो उनकी मोशन अलॉन्ग तीनों एक्सेस के अलॉन्ग वो हार्मोनिकली ओसिलेट करता है। एज ईच एटम हैज़ 3n हार्मोनिक ओसिलेटर। तो हम मीन एनर्जी को जब 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि हर एटम जो है ना 3n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। सही है, तो अब यहाँ पे K जो है इसे हम लिख सकते हैं R ओवर एन ए। सही है, K यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसे हम U भी लिख सकते हैं R ओवर एन ए। थीटा E वन ओवर एक्सपोनेंशियल थीटा E बाई टी माइनस वन और प्लस यहाँ पे हाफ, इस तरह से। अच्छा, n ओवर एन ए हमारे पास क्या होता है, स्मॉल n, तो 3 nr थीटा e 1 ओवर एक्सपोनेंशियल थीटा e ओवर t माइनस 1 प्लस हाफ, इस तरह से। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है हमारे पास cv इक्वल टू है du बाई dt या मैन एनर्जी। सही है, और dt टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सही है, अब इस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे। सही है, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो cv इक्वल टू, इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करें तो बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये बाहर रहेंगी, 3 nr थीटा e इंटू, तो यहाँ पे t इन्वॉल्व नहीं है तो ये एज ए कांस्टेंट होंगी, बाहर रहेंगी। इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t के, तो इसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले इसका स्क्वायर होगा एक्सपोनेंशियल थीटा e बाई टी माइनस वन, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे ऊपर एज इट इज़ पहले लिख देंगे एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी माइनस वन। ठीक है, फिर वन का डेरिवेटिव चूँकि ज़ीरो होता है, ठीक है, तो उस वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाती हैं। अब माइनस, अब वन को एज इट इज़ लिख देंगे और इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं थीटा ई बाई टी माइनस वन, और फिर जो है ना एक्सपोनेंशियल के अंदर जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा ई बाई टी जो है ना यही वेरिएबल टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव आ सकता है माइनस थीटा बाई टी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव, वन बाई टू का डेरिवेटिव वैसे ही ज़ीरो होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट जब ये टर्म जो है ना ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी ये ज़ीरो हो जाएगी और ये माइनस माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा, थीटा थीटा ई से मल्टीप्लाई होकर थीटा ई स्क्वायर और साथ में ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाती है स्पेसिफिक हीट की। अब हम मोलल स्पेसिफिक हीट को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे एन से डिवाइड करके, सही है। तो फिर वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट पर मोल या फिर मोलल स्पेसिफिक हीट हो जाता है, ठीक है। सो मोलल स्पेसिफिक हीट इज वो क्या है हमारे पास, सी वी स्पेसिफिक हीट पर मोल इक्वल टू, इसे भी एन से डिवाइड करेंगे, जब इस टर्म को स्मॉल एन से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एन कैंसिल हो जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी, थ्री आर थीटा ई ओवर टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा ई बाय टी ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा ई बाय टी माइनस वन का स्क्वायर, इस तरह से बन जाता है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। अब एट लो टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर दोनों पे ये रिलेशन हम चेक करेंगे इस इक्वेशन नंबर थ्री को। अब हम इस इक्वेशन थ्री को चेक करते हैं एट हाई टेम्परेचर पे, मतलब ये है कि टी वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जब क्रिस्टलिस्टिक टेम्परेचर से या फिर आइंस्टाइन टेम्परेचर से, तब क्या होगा। यहाँ देखें, अगर थीटा ई बहुत स्मॉल हो टी से, मतलब ये बटे से नीचे वाली रकम जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाए बटे से ऊपर वाली रकम, तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा, स्मॉल आएगा, ठीक है। अगर बटे से नीचे वाली रकम ग्रेटर हो ऊपर वाले से, तब टोटल जो रिज़ल्ट होगा वो स्मॉल आएगा, सही है। इस वजह से थीटा ई और टी जो है ना ये वेरी स्मॉल हो जाती हैं, और जब एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ना स्मॉलर होती हैं तो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाता है, फर्दर एक्सपेंड हो जाता है बायोनोमिकली। तो एक्सपोनेंशियल टर्म की जो एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरह से होती हैं, वन प्लस ये जो पावर है यहाँ पे एक्स ओवर वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। अब चूँकि थीटा ई ओवर टी इसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत स्मॉल है, क्योंकि बटे के नीचे वाली रकम हमने बहुत बढ़ा दी है, बटे के नीचे जो रकम है ये बहुत ज़्यादा है बटे से ऊपर वाली रकम की, तो टोटल जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। फिर इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल की पावर जब बहुत स्मॉल रकम होती है तो एक्सपोनेंशियली जो है ना एक्सपोनेंशियल आगे एक्सपेंड हो जाता है बायोनोमिकली, तो अब एक्सपोनेंशियल टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो सी वी इज इक्वल टू थ्री आर थीटा ई और टी स्क्वायर, इस टर्म को अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वन प्लस थीटा ई बाय टी, ठीक है, हायर टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं, सही है। अब इस टर्म को भी इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वन प्लस थीटा ई बाय टी ये वाला माइनस वन और इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस वन वन से कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। और फिर फर्दर यहाँ पे थीटा ई ओवर टी का स्क्वायर हो जाता है, तो ये वाली रकम जो है ना ये इस थीटा ई ओवर टी के स्क्वायर से टोटली कैंसिल हो जाती हैं, और सी वी जो है ना मोलल स्पेसिफिक हीट ये हमारे पास जस्ट इक्वल टू आ जाएगा थ्री आर इंटू वन प्लस थीटा ई बाय टी के, सही है। चूँकि टी बहुत ज़्यादा है थीटा ई से, तो टोटल रिजल्ट इनका वेरी स्मॉल है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, तो हम इसे कह सकते हैं कि थीटा ई बाय टी जो है ना एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, चूँकि टी बहुत ज़्यादा है थीटा ई से, तो टोटल रिजल्ट इनका बहुत स्मॉल आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो मान लेते हैं। तो इसकी जगह अगर हम ज़ीरो पुट कर दें यहाँ पे तो ये क्या आएगा, तो ये जो है ना स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा ओनली थ्री आर के, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और जस्ट थ्री आर ही हमारे पास बचेगा। तो एट हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। अब लो टेम्परेचर पर इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अब एट लो टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं, अगर टी जो है ना वेरी वेरी लेस देन हो थीटा ई से, तब क्या होगा।
अब बटे से ऊपर वाली रकम बहुत ज़्यादा है, बटे से नीचे वाली रकम, तो टोटल रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि बटे से ऊपर वाली रकम जो है ना ये ज़्यादा है। तो थीटा ई बाई टी विल बी वेरी वेरी लार्ज, थीटा ई बाई टी वेरी वेरी लार्ज, इतनी वेरी वेरी लार्ज कि अगर वन हम इससे माइनस भी करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो लिहाजा ये माइनस वन जो है ना इक्वेशन थ्री के अंदर, इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, सही है, क्योंकि टोटल रिजल्ट थीटा ई बाई टी का बहुत ज़्यादा है। तो वन के माइनस करने से या मामूली रकम माइनस करने से इस पर जो है ना डिफरेंस ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम जो है ना इक्वेशन थ्री को अब लिख सकते हैं, सी वी मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू थ्री आर थीटा ई बाई टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी और सही है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाय टी माइनस वन को हमने निगलेक्ट कर दिया और एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाय टी का स्क्वायर, तो ये जो टर्म है इस एक स्क्वायर से कैंसिल और ये एक्सपोनेंशियल टर्म ऊपर जाके इन्वर्स हो सकती हैं। तो हम इसे कुछ यूँ लिख सकते हैं, थ्री आर थीटा ई बाय टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस थीटा ई बाय टी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब चूंकि टी बहुत कम है थीटा ई से, मतलब ये है कि टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें और यहाँ पे भी ज़ीरो, तो ये टर्म इन्फिनिटी हो सकती हैं, लेकिन ये टर्म जो है ना एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी, तो वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाती हैं। तो ये ज़ीरो जब यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो टोटल टर्म क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो सी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री आर, ठीक है, यहाँ पे आप ज़ीरो पुट कर लें या ना करें, लेकिन उस टर्म की ज़ीरो होने की वजह से सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्लियर। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो वन ओवर यहाँ पे ई की पावर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और वन ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी वी हमारे पास टोटली क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना आइंस्टाइन थ्योरी का भी ड्रॉबैक्स हैं कि लो टेम्परेचर पे जो है ना ये रैपिडली स्पेसिफिक हीट ज़ीरो पे पहुंच जाती हैं रैपिडली, ठीक है, क्लियर। अब आइंस्टाइन थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लेते हैं, ये भी कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इसके ये दो ड्रॉबैक्स हैं, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, व्हेन टी इज स्मॉल देन एक्सपोनेंशियल टर्म टेंड टू ज़ीरो रैपिडली व्हिच इज़ अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। चूँकि लो टेम्परेचर पे जो है ना स्पेसिफिक हीट की वैल्यू रैपिडली ज़ीरो पे आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के जो है ना बहुत ही अगेंस्ट हैं। एक्सपोनेंशियल रिजल्ट जो है ना वो कुछ फाइनाइट रिजल्ट आता है, वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए, सही है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, आइंस्टाइन एज्यूम दैट एटम्स इन सॉलिड ओसिलेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, और आइंस्टाइन ने जो है ना ये एज्यूम किया था कि सॉलिड के अंदर जो एटम है वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट करते हैं, हालांकि वो डिस्क्रीट होते हैं दर हकीकत, लेकिन इन्होंने जो है ना सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना अपने रिलेशन को एज्यूम किया हुआ था। तो ये दो थे ड्रॉबैक्स।